टेक्निकल एनालिसिस के स्पेशल वीडियोस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2024। यूरो डॉलर एंड यूरो आइनर पे कुछ नजर में आ रहा है, जिसके कारण ये वीडियो बना रहा हूं। दिस इज ए स्पेशल वीडियो। सो हम अगर यूरो डॉलर को ओवरऑल स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका 28 दिसंबर को 1.1120 से एक लो बनाया 1.08 ऑन डेली चार्ट्स। एक शार्प डाउनफॉल हमने देखा। इसका अगर हम वीकली एनालिसिस को देखने का प्रयास करेंगे वीकली पे, तो ये हम देखेंगे कि प्राइस जो अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में आके रुका हुआ है, ये एक स्पेशल अवेयरनेस दे रहे हैं। हालांकि वीक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आज वेंसडे है और इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, एफओएमसी रेट डिसीशंस ऑन 31 जनवरी 2024 फॉलोड बाय फ्राइडे का एनएफपी डेटा। सो ये कैंडल अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। सपोज हम मानते हैं कि ये इस टाइप का एक कैंडल क्लोज के साथ वीक क्लोज देते हैं, वीक हफ्ता आगे क्लोज देते हैं बाय फ्राइडे वाला। इन सच ए केस इट इज गोइंग टू मेक ए ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। रिपीटेडली मैं ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी फॉर मी। ये अभी तक वीकली कैंडल जो है इन सब का कंप्लीट नहीं हुआ है और तीन ट्रेडिंग डेज बाकी है, 31st, 1st and 2nd, एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी है, एफएमसी रेट डिसीजंस एंड आपका एनएपी डेटा। सो ये जो सपोर्ट है वीकली का सपोर्ट ऑन द सेंटर बैंड By Friday, it should not damage the support level. यानी कहने का मतलब price जो है ये center band के नीचे close देना नहीं चाहिए। This is the first condition. मान लेते हैं by Friday तक इसी type का एक candle बनते हैं जो center band को damage नहीं करते। In such a case, it is a dual period Bollinger Band setup candidate. क्या candidate है? Weekly price taking support on the center band and daily price hovering around the lower part of the Bollinger Band. In such a case, हम यहाँ पे एक trend line support resistance draw करेंगे। Price अगर आने वाले दिनों में इस trend line resistance के ऊपर close देते हैं, इस type का एक candle close देते हैं, in such a case, इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर ये ट्रिगर होगा। इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर ये ट्रिगर होने वाले हैं फॉर आवर टारगेट एज द रिसेंट स्विंग हाई, व्हिच इज नथिंग बट 1.11 से 1.1150। स्टॉप लॉस क्या होगा? हर एक स्ट्रेटेजी का एक स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस ये स्विंग लो के नीचे, यानी 1.07 8090 is going to be as your stop loss. ये हो गया यूरो डॉलर में। एक अभी दिखा है, ये अर्ली साइन है, अभी तक कॉन्फर्मेशन आया नहीं है, we need to wait for confirmations. अभी आते हैं यूरो आयनर। यूरो आयनर में भी आप देखोगे ये जो 28 दिसंबर में from an high of 9250 it moved down towards 8979 and now it is consolidating. Weekly price को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो रहा है? ये एक center band में आके रुका हुआ है, center band of the Bollinger Band, which is nothing but the 20 period moving average. अभी ये जो weekly candle है ये अभी तक week का closing नहीं है, ये mid of the week है, आज 31st January Wednesday है। So By Friday तक ये सेंटर बैंड को डैमेज करके नीचे की तरफ क्लोज देना नहीं चाहिए। इन सच ए केस इट्स ए प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप, सेम एज यूरो डॉलर। इन सच ए केस
अगर बाय फ्राइडे तक ये क्लोज नहीं दे देते हैं, इन सच ए केस ये जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए, एक बुलिश कैंडल चाहिए जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देगा। इन सच ए केस ये जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है ये ट्रिगर हो जाएगा एंड इसके हाई के ऊपर हमारा बाय ट्रिगर होगा, टारगेट होगा द लेटेस्ट स्विंग हाई व्हिच इज 92.5070, स्टॉप लॉस ये जो स्विंग लो है व्हिच इज योर 89.6070। सो ये जो डिस्ट्रेट डिस्कस कर रहा हूं ये अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, कॉन्फर्मेशंस दिया नहीं है, इट्स ए प्री कैलकुलेशन। अगर कंडीशंस मेट होते हैं इन सच केस यूरो आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 92.50-92.70 एंड यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.1100 से 1.1140 के तरफ, क्या आने वाले दिनों में इस टाइप का फॉर्मेशन हमें मिलता है? इन सच ए केस वी कैन प्ले फ्रॉम द लॉन्ग साइड विथ 1:2, 1:3 टाइप ऑफ ट्रेड सेटअप। थैंक यू एंड आशा करता हूं ये जो प्रायर इंटीमेशन है ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द चार्ट पर्सपेक्टिव ये एंड वेटिंग फॉर ए कंफर्मेशन ये जो प्रोसेस है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ये वंस अगेन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें वीक को कंप्लीट होने देना है। तो आप पूछोगे व्हाई इन एडवांस, सो दैट यू कैन जस्ट सी एडवांस का मतलब क्या है कि आप देखो क्या प्राइस इस हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्या ये सेंटर बैंड को डैमेज नहीं कर रहा है, क्या ये वीकली जो कैंडल है सेंटर बैंड के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, देन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर डेली क्लोज दे रहे हैं, देन उसके हाई के ऊपर क्या जा रहा है एंड सो एंड सो। सो ये जो टेक्निकल एनालिसिस के स्पेशल वीडियो है व्हिच इज ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो। इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।